बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपका मेज़बान मोहम्मद शुहेब, और आज हम आपको ऊँट का दूध निकाल कर दिखाएँगे। माशाल्लाह, इन्होंने 3-4 ऊँट रखे हुए हैं। ये देखें जी, ये मैडम दूध निकाल रही हैं ये ऊँट का। ये देखें, बहुत बेहतरीन दूध है माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें जी, ये दूध निकाल रही हैं ऊँट का। ये ऊँट का दूध निकाल रहे हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से दूध निकाल रहे हैं। आंटी, इसका किसी भी टाइम दूध निकाल सकते हैं, और ये दूध ख़राब भी हो जाता है? कितने दिन ये रख सकते हैं इसको? 10 दिन पड़ा हो कुछ नहीं होगा फ्रिज में, तो इसको इसका फ़ायदा क्या होता है? नबी पाक सल्लम की सुन्नत है दोस्तों, ये नबी पाक सल्लम की सुन्नत है। और ये देखें, दूध निकाल रही हूँ, और हमने आपको फ़ायदा भी बताया है, शुगर जिगर हर चीज़ के लिए ये बहुत बेहतरीन होता है। आप दिन में इसको कितनी मरतबा दूध निकाल सकते हैं? किसी भी टाइम निकाल सकते हैं? रात को दूध नहीं निकालते? रात को भी निकाल देते हैं वैसे। ये एक कैमल कितना दूध दे देती? 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 3 किलो। अच्छा, पे तेरी। अच्छा, तो इसकी 3-4 धारे और निकाल के दिखाए ना हमारे दोस्तों को। ये नाज़रीन आप देखें, और दूध निकाल रही हैं। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन दूध निकाल रही हैं। ये देखें, अच्छा होता है यार बीमारी। अच्छा, ये इसका दूध बहुत अच्छा होता है दोस्तों। खाना बदोश लोग हैं। आपकी रिहाइश कहाँ पे? इधर ही किसी भी जम्मू स्टाप पर। ये जम्मू स्टाप पर इनकी रिहाइश, आप इनसे किसी भी टाइम यहाँ पे दूध ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने ये जो है अस्करी 11 यहाँ पर लाहौर में ये सोसाइटी, इसके सामने ये खड़े होते हैं यहाँ पर किसी भी टाइम जी। कहाँ पर? अच्छा, ये सोसाइटी वाले सब दूध लेकर जाते हैं? ये इनसे सोसाइटी वाले भी दूध लेकर जाते हैं ये सारे। और ये बहुत बेहतरीन ये दूध है। ये देखें, इन्होंने ये दूध निकाला है। अच्छा, ये दूध नमकीन भी होता है, हमने सुना है नमकीन होता है ये दोस्तों, नमकीन भी होता है ये दूध। बहुत बेहतरीन दूध है। और ये देखें, ये दूध यहाँ पर ये डाल कर देंगे हमें। ये देखें, बहुत बेहतरीन दूध है। ये देखें, थैली में पा दें। ये देखें, ये थैली में ये दूध पाएंगे। 2 किलो लो। ये 1 किलो का है, 2 किलो का है, 1 किलो का, 1 किलो का है। ये देखें जी, 150 रुपये किलो ये दूध देते हैं। ये देखें जी, ये शापर में ये पाएंगे। ये देखें, ये देखें, ये इन्होंने 3-4 दूध ये ऊँटें रखी हुई हैं। ये देखें, ये इनका बच्चा है छोटा। ये देखें, बहुत बेहतरीन। ये देखें, इनके ये बर्तन है जिनमें ये दूध चोते हैं। ये देखें, ये पानी रखा है इसके ठंड धोने के लिए। अच्छा, ये इसके ठंड होने के लिए। ये देखें जी, ये इनके थन भी धोएंगे। अच्छा, दूध चोने के बाद धोते हैं? अच्छा अच्छा, ये देखें जी, बड़ा अच्छी तरीके से और ये साफ़ तरीके से काम करते हैं, बड़ा बेहतरीन। इनके बर्तन देखें, साफ, बहुत बेहतरीन साफ होते हैं जी। हम लोग अच्छी तरह सफाई से दूध देते हैं। ये देखें, ये आपको बता रहे हैं, और ये बहुत फ़ायदा मंद होता है। और ये सुन्नत है नबवी है, और ये सुन्नत है ये दूध भी पीना, और ये सुन्नत है ऊँट रखना भी। बहुत अच्छा ये काम है, और ये इनका बिजनेस है। यहाँ पर ये दूध वगैरह देते हैं। ये देखें, ये देखें, बर्तन भी साफ हैं। ये देखें, इन्होंने 3-4 बर्तन रखे हुए हैं, और दूध भी इनका नमकीन होता है। और ये गांव भैंसों के दूध के निस्बत पतला दूध होता है आंटी जी। पतला होता है,
पतला दूध होता है जी, ये 150 रुपए किलो। ये देखें इसका दूध पतला होता है, बीमारी नहीं होती। ये किस किस बीमारी लिए अच्छा होता है? पतला दूध होता है बीमारी के लिए, बीमारी के लिए अच्छा होता है। जो बीमार लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा। ये देखें जी, बहुत इन्होंने बेहतरीन ऊँटे रखी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।